हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट ईवीएस स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी चैप्टर नंबर 13, शेयरिंग अवर फीलिंग्स, पार्ट 3। इन पार्ट 3 टुडे वी विल सी हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स गेट स्टार्ट। STUDING, स्टडिंग। स्टडिंग मतलब पढ़ना। RETURNING, रिटर्निंग। रिटर्निंग मतलब वापस आना। ANXIOUS, एंग्शियस। एंग्शियस मतलब बेचैन। LISTEN, लिसन। लिसन मतलब सुनना। REST, रेस्ट। रेस्ट मतलब आराम होता है, लेकिन ये चैप्टर में रेस्ट का क्या मतलब है, जो बचा हुआ होता है उसे कहते हैं रेस्ट। UPSET, अपसेट। अपसेट मतलब उदास होना। SECOND, सेकंड। सेकंड मतलब दूसरा। RELATIONSHIP, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मतलब संबंध। HUMOUR, ह्यूमन। ह्यूमन मतलब भाव। LAUGH, लाफ। लाफ मतलब हंसना। SPECIALITY, स्पेशलिटी। स्पेशलिटी मतलब विशेषताएं। CARRIES, कैरीज। कैरीज मतलब साथ में लेना। STICK, स्टिक। स्टिक मतलब लकड़ी। ANGAINST, अगेंस्ट। अगेंस्ट मतलब किसी के खिलाफ होना या फिर विरुद्ध, उसे कहते हैं अगेंस्ट। STUDENTS, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थी। RECORDING, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब हमें कोई आवाज सुनना है, वापस से सुनना है। जैसे हमने पहले बोला है वैसे ही सेम हमें वापस सुनना है, तो हम कुछ रिकॉर्ड करते हैं, तो जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं रिकॉर्डिंग। RAISED, रेस्ड। रेस्ड मतलब उभरा हुआ। SOMETIMES, समटाइम्स। समटाइम्स मतलब कभी कभी। FAVOURITE, फेवरेट। फेवरेट मतलब पसंदीदा। HARDLY, हार्डली। हार्डली मतलब मुश्किल से। RECOGNISES, रेकग्नाइजेस। रेकग्नाइजेस मतलब पहचानना, आइडेंटिफाई करना। LOVINGLY, लविंगली। लविंगली मतलब प्यार से। UNDERSTAND, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मतलब समझना। READING, रीडिंग। रीडिंग मतलब पढ़ना। WRITING, राइटिंग। राइटिंग मतलब लिखना। BRAILLE, ब्रेली। ब्रेली मतलब, ब्रेली क्या है, एक स्क्रिप्ट का नेम है। तो ब्रेली स्क्रिप्ट किसके लिए बनाई जाती है स्पेशली, सो ब्रेली स्क्रिप्ट इज स्पेशली फॉर जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, वैसे पीपल के लिए ब्रेली स्क्रिप्ट स्पेशली बनाई गई है। तो ब्रेली स्क्रिप्ट है, उसका यूज कौन करता है, ब्लाइंड पीपल। DUMBCHARADES, डम शरार। डम शरार ये एक गेम का नाम है। ARRANGE, अरेंज। अरेंज मतलब व्यवस्था। ACTIVITY, एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब गतिविधि। SUDDENLY, सडनली। सडनली मतलब अचानक से। EYESIGHT, आईसाइट। आईसाइट मतलब हमारी जो दृष्टि होती है, देखने की जो शक्ति होती है, नजर होती है, उसे कहते हैं आईसाइट। TH INK, ING, थिंकिंग। थिंकिंग मतलब
मतलब सोच। तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 13 शेयरिंग अवर फीलिंग्स के सारे हार्ड वर्ड्स यहाँ पर फिनिश हो रहे हैं। तो स्टूडेंट ये सारे हार्ड वर्ड्स आप लोगों को ईवीएस की नोटबुक में 5 टाइम्स लिखने हैं और उसे लर्न करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।